धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं आज इस बिल के समर्थन में खड़ी हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आज हमारे गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि ये बिल 1974 में 1995 में अलग अलग रूप से पेश किया गया था, लेकिन इस बिल के अमेंडमेंट के साथ वैलिडेशन का एक नया उपाय उन्होंने 2014 में सबकी साझेदारी लेके बनाया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत का इतिहास है, हमारे महात्मा गांधी जी का इतिहास चरखे से शुरू हुआ है, कपास से कपड़ा, ये हर कोई अपने स्वदेशी रूप से अपने रूप से बनाता जाता था। हमारा प्रतीक महात्मा गांधी जी का चरखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कुछ मूल मंत्रों के साथ इस देश के लोगों के सामने मूल मंत्र दिए। उन 5 मूल मंत्र में से सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र था श्रमेव जयते। श्रमेव जयते ये मूल मंत्र वो है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबरों को उनका सम्मान और उनको मान मिले। उस मूल मंत्र के साथ और एक महत्वपूर्ण मूल मंत्र था मेक इन इंडिया, कि जो कुछ हो अपने देश में, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, अपने देश में अपना बने और वो एक्सपोर्ट हो, ज्यादा करके इंपोर्ट ना होते हुए अपने देश की लागत आगे बढ़े और देश को भी उसका फायदा हो और विदेश में भी अपने देश का नाम चले, इस रूप से हम उसे आगे बढ़ाते लेके गए हैं। इस संशोधन के रूप से ही श्रमेव जयते और मेक इन इंडिया का नारा इस बिल में, इस संविधान में जिस प्रकार से संशोधन करके ये बिल सामने लाया वो दिखाई देता है। मैं ये कहना चाहती हूं, मैं ऐसे शहर से आई हूं, पूरे देश भर में एनटीसी की मिलों के मुझे लगता है कुल मिलाकर 2400 एकड़ जमीन है, लेकिन मैं जिस शहर और प्रदेश से आई हूं वहां पे 800 एकड़ जमीन ये एनटीसी के मिलों में फंसी हुई है। मैं जिस शहर से आती हूं उस दक्षिण मध्य मुंबई में, मेरा चुनाव क्षेत्र से लगे हुए दक्षिण मध्य मुंबई में सबसे ज्यादा मिले वहां पे बंद हुई हैं, जो एनटीसी की मिलें हैं वहां पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि क्योंकि कुछ कायदे कानून के लूप होल की वजह से उन मिलों का काम जो होना चाहिए था, उन मिलों के वहां के रहने वाले लोगों के लिए जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उस रूप से न्याय प्रविष्ट के रूप से हर कोई मामले फंसते गए, जिस प्रकार से आर्बिट्रेशन की बात चलती गई, और उसके बाद ना मिलों को फायदा हुआ, ना एनटीसी को फायदा हुआ, ना मंत्रालय को फायदा हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण जो अपने देश की रीढ़ की हड्डी है किसान और मजदूर, उन मजदूरों को भी फायदा नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से मुंबई शहर ये इस देश की 25% जीडीपी को मदद करता है, उस मुंबई शहर के बारे में अभी बहुत अच्छा सांसद महोदय ने कहा कि मुंबई की जमीन एक सोने की जैसी है, मुंबई की जमीन की कीमतें भी सोने के रूप से गिनी जाती है। आज वैसी ही जमीन एनटीसी की पड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसी जमीन है जहां पे जिस प्रकार से कुछ हम करना चाहते थे, जैसे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 में पारित तो हुआ, 2000 में वो पारित हुआ, लेकिन वो पारित होने के बाद भी उसमें ऐसे लूप होल थे कि बहुत सारी बातों पे पीआईएल डालने के बाद भी मामला वही न्याय प्रविष्ट फंसा रहता था और जिस रूप से फायदा किसी भी रूप से होता नहीं था। तो मुझे लगता है 1999 में जो महाराष्ट्र का रेंट कंट्रोल एक्ट जो आगे बढ़ा और 2000 में वो महाराष्ट्र में पास हुआ, उस रेंट कंट्रोल एक्ट के साथ उसके साथ साझेदारी करके आज आदरणीय गंगावर जी ने ये एक अच्छा बिल हमारे सामने लाया, जिससे वैलिडेशन की जो समस्या थी वो हमारे सामने, उस समस्या का निवारण आ गया है। क्योंकि दिक्कत यह होती थी कि एनटीसी जिस एक्ट में दिखाया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी केसेस पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग एकदम से होगी नहीं और होनी नहीं चाहिए, लेकिन एनटीसी की दिक्कत यह होती थी कि वो दे आर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात कभी भी क्लियर ना हो पाती थी और फिर न्याय प्रविष्ट के रूप से वो मामले फंसे रहते थे। अभी सांसद महोदय ने, मैं उत्तर नहीं देना चाहती, लेकिन एक बहुत अच्छा मुद्दा दिया कि प्राइवेट मिलों में लोगों को सम्मान मिला। मैं खुद जिस चुनाव क्षेत्र से आई हूं उस चुनाव क्षेत्र में स्वदेशी मिल करके टाटा की मिल है, वो बहुत सालों से बंद है और वहां के रहने वाले लोग हर रोज मुझे आके मिलते हैं और उन्होंने भी, मैं ये नहीं कहना चाहती कि प्राइवेट मिले बहुत अच्छी नहीं कर रही है और हमारी मिले बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन ये पूरी कहानी पूरे देश भर में मिल मजदूरों की है कि उनका सम्मान जिस प्रकार से मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो जिस प्रकार से स्वदेशी मिल टाटा का, वहां पे बहुत बड़ी मिल है मेरे चुनाव क्षेत्र में कुरला सायन में, वहां पे भी टाटा ने जिस प्रकार से वहां के मजदूरों के, जिनकी पीढ़ियां खप गई काम करते करते, उन्होंने उस रूप से जिस प्रकार से उनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए था, घर देना चाहिए था और मिलों को पुनर्जीवित करना चाहते थे, वो अब तक इतने सालों से हुआ नहीं और फिर से मामला न्याय प्रविष्ट हो गया है। तो ऐसे न्याय प्रविष्ट मामलों के लिए ही मुझे लगता है ये बिल सामने आया है और जिससे वैलिडेशन हमें मिल रही है। एक एनटीसी की मिल का और एक मैं उदाहरण देना चाहती हूं, 1999 में एनटीसी के एक मिल का फिर से ये बात न्याय प्रविष्ट है, सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, बहराम जी जीजीवाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने
उसकी लीज के रूप से छोड़ दी, और एचडीआईएल जैसे ऐसी कंपनी को 300 350 करोड़ में वो मिल बेच दी। न कभी उन्होंने नए प्रविष्ट मामला चल रहा था तभी भी उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ना एनटीसी को पूछा, और उसके बाद जिसने जिस प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के वो कंपनी ले ली और उस कंपनी में इतने पैसे डाल के भी उस मिलों का कुछ हुआ नहीं। और अंत में हुआ क्या, पैसे फंस गए एनटीसी के, न्याय प्रविष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रही है। न्याय प्रविष्ट होने की वजह से ना मजदूरों को कुछ मिल रहा है ना मिल का कुछ हो रहा है, लेकिन जिन प्रमोटरों को जो होना चाहिए था वो हो चुका है, इसलिए दिक्कत यही आती जाती है मुंबई में। इसके लिए ये अवैध रूप से रियल्टी शार्क जो हमारे देश में कंट्रोल और कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के भले से नहीं। मैं ये भी चाहती हूं मुंबई ऐसे शहर है जहां पे मुंबई में अच्छे ओपन स्पेसेस भी होने चाहिए, मुंबई में अच्छी अफोर्डेबल हाउसिंग भी होनी चाहिए, और मुंबई में एक छोटी हर कोई मिल मजदूरों की अपेक्षा यही होती कि मुझे मेरा काम वापस मिले। मेरी दो दो तीन तीन पीढ़ियां सिर्फ मिल हमारी शुरू हो इसलिए अपेक्षा करती है, तो मेरे बच्चों को भी काम मिले, मैं एक अच्छा मिल मजदूर हूं, मुझे मेरा काम मिले, एक हक का घर मिले, और ओपन स्पेसेस जिस प्रकार से एक तिहाई रूप से उस मिल मजदूरों को मिले और उस मिल का कुछ ना कुछ अच्छा काम हो। उसके लिए जिस प्रकार से उदाहरण मैं ये दे रही हूं कि जो न्याय प्रविष्ट है, एक उदाहरण अच्छा भी देना चाहती हूं। गत कई वर्षों से गुजरात की सरकार ने उनकी 20 से 25 जो मिलें बंद पड़ी थी उनके सरकार के प्रविष्ट में जो आती है उन्हें बहुत अच्छे रूप से पुनर्जीवित किया है और मजदूरों को उनका हक दिया है, उनमें सब्सिडीज दिए हैं। और आज मैं इतना कहना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं गुजरात की सरकार को कि कॉटन टू गारमेंट, कपास से कपड़ा, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लगा के उन्होंने 25 मिले गए दो तीन साल में पुनर्जीवित करके वहां के मजदूरों को और वहां के कपास के लोगों को भी मदद की है। इसका अभ्यास अभी मैंने सुना है कि हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी कर रही है, दो महीने में वो रिपोर्ट बनाने वाली है कि कपास से लेके कपड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम। अभी भी सांसद महोदय ने कहा था कि ठीक है कपड़ा तो बन जाएगा, हमारी मिले आगे चलनी चाहिए, लेकिन कपास का क्या होगा। जिस प्रदेश से आते हैं वहां की, मैं भी हूं मराठवाड़ा से, तो वहां पे कापूस रुई जो होती है वहां पे कपास के जो हमारे किसान हैं उनको दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान और मजदूर है, जब तक किसान और मजदूरों के हम हाथ बलशाली नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए गुजरात का जो मॉड्यूल है जो गत 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि 20 से 25 सारी मिले कपास से कपड़ा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप से काम कर रही है, वैसी ही मैं अपेक्षा करती हूं कि एनटीसी के रूप से भी वो देश भर में हो। गांधी जी का मूल मंत्र था कि सबका सम्मान रहे, हमारे देश की हेरिटेज जो हमारे देश का कपड़ा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत हो, पश्चिम से पूर्वी भारत हो, हर प्रकार से हो, हमारी इंडस्ट्री हर प्रदेश में अपने रूप से अलग कपड़ा बनाती है, सिल्क हो, कॉटन हो, हर प्रकार से वो हर जगह से अलग अलग रूप से आती है, और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी ज्यादा कीमत है जितनी अपने मार्केट में उसकी कीमत नहीं। क्योंकि दिक्कत यही हो रही है मिलों में, जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे मजदूर आगे बढ़े और हमारे फिर से टेक्सटाइल का एक टेक्सटाइल फिर से पुनर्जीवित होके उसकी जिंदगी आगे बढ़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना का माल। इसीलिए जो मूल मंत्र हमें महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि मेक इन इंडिया और श्रमेव जयते, इसका साझा उदाहरण ये एनटीसी के मिलों का एक बहुत अच्छा बिल है। मैं इतना ही कहना चाहती हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं, और दो मुद्दे अपने मिनिस्टर साहब को जो कहना चाहती हूं। 2014 में 4 जीवी हुए थे मुंबई की 4 मिलों के साथ, उसका भी न्याय प्रविष्ट में मामला फंसा हुआ है। आज जब ये बिल आप सबके समर्थन से पास हो गए अपेक्षा करती हूं, और उसके बाद आप इतनी अपेक्षा आपसे करती हूं कि जेवी के ये 4 मिलों पे आप ज्यादा ध्यान दें। वन थर्ड मुंबई शहर को चाहिए कि वहां की अफोर्डेबल हाउसिंग हो, मुंबई के हमारे जो किसान मजदूर है जो दो तीन पीढ़ियों से अपनी जिंदगी खपा रहे लेकिन उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, 1/3 में उनका हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप से उनके घर और उनका सम्मान हो, और 1/3 हिस्से में मीलों का काम फिर से शुरू हो और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम आगे बढ़े और वो पुनर्जीवित हो, ये अपेक्षा करती हूं। इस मजदूर की रीढ़ की हड्डी को आपने आपके टेक्सटाइल इस बिल के रूप से आगे बढ़ाया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और यही मूल मंत्र लेके मैं इतना कहना चाहती हूं कि श्रम जो करता है, जो किसान है या जो मजदूर है, जब तक हम उसकी मूल्य उसका मूल्य नहीं रखेंगे, इफ यू डोंट वैल्यू आर ओन, हमारे मजदूरों की हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हमारे किसानों की वैल्यू नहीं रखेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यही मूल मंत्र लेके हम आगे बढ़े हैं। मैं इस बिल को पूरी तरफ से समर्थन देती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं गंगवार जी को कि आज इस मूल मंत्र से हमारे किसानों की इज्जत बढ़ेगी और